हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसमें पार्ट टू मैं कराने जा रही हूँ आज आपको बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेस्ड ऑन द साइज़ हमारे पास कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं हम कैसे क्लासीफाई करते हैं उन कंप्यूटर्स को सो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द साइज हमारे पास चार तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं कौन कौन से माइक्रो मिनी मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स ऑलराइट सो हमने उससे पहले हमने क्या किया था कि जो हमने किए थे डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो किसके ऊपर बेस्ड थे मुझे आप ये बताओ ज़रा कि वो जो हमने करा था डिजिटल हाइब्रिड वो सारे कंप्यूटर्स किसके ऊपर बेस्ड थे तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नल बेस्ड ऑन सिग्नल था राइट right? तो हमें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमने क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो सबसे पहली चीज हमने करा है साइज के ऊपर बेसिस पे बेस्ड ऑन सिग्नल एंड बेस्ड ऑन स्विचिंग सिग्नल में हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर्स

थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन ऑल राइट अब हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में साइज के ऊपर साइज में हमारा क्लासीफाई हुआ है सुपर मेन फ्रेम माइक्रो और मिनी हम पढ़ेंगे माइक्रो से चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ में बेस्ड ऑन कॉन्फिग्रेशन डिजिटल कंप्यूटर्स जो है आजकल बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं so based on the size and type they are classified into four categories so ye kaun si humne digital computers ek hote hain analog computers ek hote hain digital theek hai analog mein analog signal dete hain aur analog signal ke through hi wo graph banate hain as a output digital में वो digital values देते हैं जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में और डिजिटली ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रोसेस करते हैं दोनों कंप्यूटर्स की क्वालिटीज डिजिटल की भी और एनालॉग की भी तो जिसने ये क्लास नहीं देखी है वो जाके सबसे पहले मेरी ये वाली क्लास देख ले तो साइज़ के आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स वो बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल हैं तो इन्हीं साइजेस के ऊपर हमने चार कैटेगरीज़ में इन डिजिटल कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है तो ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर ये किस तरीके के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी एनालॉग कंप्यूटर्स ये नहीं होते हैं ये सारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर कम्प्यूटर सो ये मैंने एक टेबल आपके लिए रखी है सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स तो क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं माइक्रो से मिनी मिनी से मेन फ्रेम मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर, तो साइज़ इनका बढ़ता जाता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये फास्ट हो जाते हैं और एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो इनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा सिंपल हो जाएगा ये स्मॉल हो जाएगा साइज ये चीप हो जाएंगे और स्लो हो जाएंगे तो मैं यही बोलूँगी कि ये वाली जो टेबल है आप इसको एक स्क्रीन ले लीजिए तो होता क्या है सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम से साइज़ में बड़े होते हैं फास्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं इसी तरीके से मेन फ्रेम जो है वो मिनी कंप्यूटर से साइज़ में बड़े होते हैं फास्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं इसी तरीके से नीचे का पैटर्न भी रिपीट करेगा ऑल राइट right. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में कि व्हाट आर माइक्रो कंप्यूटर्स तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनली क्या और क्या बोलते हैं अपना पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं जो आजकल के टाइम में हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं अपने घर में लैपटॉप्स यूज़ करते हैं उन्हीं को हम माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं को हम क्या बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स ऑल राइट सो so, ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनको हम और क्या बोल सकते हैं अ डिवाइस बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर ये हमने डिस्कस किया था माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है पहले अगर लेक्चर्स देखे होंगे डिवाइस ये जो है ये बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर विच परफॉर्म्स ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन ये एक डिवाइस है जो सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है जो कि सारे के सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो so, इसमें माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ होता है इसमें सी क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है सी के की जगह पे ठीक है जो सी का सारा काम है वो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर इन माइक्रो कंप्यूटर्स सो क्या होता है कि इसमें दो तरीके की जो होती हैं आपकी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं जो कि है एल और वी ठीक है एल एस आई इज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वी एल एस आई इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये क्या करती है ये नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को एक ही सेमी कंडक्टर चिप पे प्लेस कर सकते हैं और क्या हुआ कि इस इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हम एक सेमी कन्डक्टर पर प्लेस कर सकते थे वो बढ़ गए जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई ठीक है ये पॉपुलर हुए नाइनटीन सेवेंटी में एंड 1980 में जैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर का इंक्रीज हुआ यूज वैसे ही ये सारे जो हैं कंप्यूटर्स ये वाले भी पॉपुलर होने शुरू हो गए डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है आपका अब हम नीचे पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप ये सब तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वही है आपका जब मॉनिटर जिस कंप्यूटर के पास मॉनिटर हो कीबोर्ड हो माउस हो सीपीयू हो और जब ये सारे के सारी चीजें सारा का सारा सेटअप हम एक डेस्क के ऊपर रख देते हैं और फिर काम करते हैं उसी को बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर इसी वजह से इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है डेस्क डेस्क और टॉप डेस्क के ऊपर डेस्क टॉप ये सिस्टम जो है इट कंटेन्स नंबर ऑफ एसोसिएटेड सेमीकंडक्टर चिप्स दैट सर्व एज मेन मेमोरी

जो एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन विद द पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब एक इंटरफेस हो गया एक मीडियम हो गया बीच का जैसे कि पेरीफेरल डिवाइसेस कौन से हो गए कीबोर्ड वीडियो डिस्प्ले प्रिंटर एंड योर ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस एज ए इंटरफेस एक्ट करता है अर्लीस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स मार्केटेड इन मिड नाइनटीन सेवेंटी कंटेंड अ सिंगल चिप ऑल सी पी यू मेमरी एंड इंटरफेस सर्किट्स वर इंटीग्रेटेड ये जो हमने अभी भी करा कि एक ही चिप पे सारा का सारा सिस्टम जो है सारा का सारा सी पी यू होता है सारी की सारी मेमरी सारे की सारी इंटरफेस सर्किट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं इसमें एक सिंगल चिप के ऊपर और ये सिंगल चिप के ऊपर जो सारा सी पी यू है सारी मेमोरी डिवाइसेस हैं सारा इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कैसे होता है वो वी एल एस आई और एल एस आई टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है और राइट right. एक सेमीकंडक्टर चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड जो है इनकी वो बढ़ जाती है समझ आ गया कॉमन माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से होते हैं नोटबुक्स लैपटॉप डेस्कटॉप, टॉप पाम ये सारे स्टैंडर्ड पीसीज हमारे जो स्टैंडर्ड पीसी होते हैं जैसे कि लैपटॉप और जो हम घर में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनके अलावा हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए मोबाइल फ़ोन्स हो गए नोटबुक्स हो गया वर्क स्टेशन हो गए एम्बेडेड सिस्टम है पीडीए है स्मार्टफोन नेटबुक सो आईबीएम पीसी बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्पल मैकेश आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है जो पूछते भी हैं आई बी वगैरह में कि आई बी बी बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल मैकेंटोश ये किसका एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से नोट कर लेना है आपको ऑल राइट right. तो ये है एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर का आपके जो हम रेगुलर यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स तो ये है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स ऑल राइट तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं आपके थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं राधा देन यहाँ पर आने की तो के बजाय तो माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्पल और कौन से हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एच डेल और लिनोवो के जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हो वो माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्पल हैं अब मैंने इसमें आपको बताया कि माइक्रो के भी कितने पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर्स देन केम नेटबुक देन केम टैबलेट उसके बाद टैबलेट के बाद आपका आ गया पीडीए और फिर आ गया स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर नोटबुक्स आए आपके फिर नेटबुक आया फिर टैबलेट कंप्यूटर आया फिर PDA आया और फिर स्मार्टफोन्स आए ठीक है तो ये यह यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन इसकी करने वाले हैं अब देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने डिस्कस कर लिया डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है जो वही कंप्यूटर जिसमें मॉनिटर कीबोर्ड माउस सीपीयू जब एक साथ डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं और वो उससे काम होता है तो वो होते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर राइट डी सी से मैं रिप्रेजेंट करी हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के एग्जांपल हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एच पी डेल लिनोवो इन सब कंपनीज के जो कंप्यूटर्स आते हैं ये बनाती है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देन वी हैव नोटबुक कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर जो आपकी लिखने वाली नोटबुक होती है वही स्पेलिंग है इसकी नोटबुक कंप्यूटर अब ये जो नोटबुक कंप्यूटर है वो कुछ और नहीं आपके लैपटॉप ही होते हैं ठीक है सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लैपटॉप है यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है आई में कि ये जो आपके लैपटॉप है ये किस तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं तो लैपटॉप होते हैं आपके नोटबुक कंप्यूटर ठीक है नोटबुक कंप्यूटर के बाद आया आपका नेटबुक अब हमने लैपटॉप तक तो, तो देख लिया लैपटॉप सबके पास है तो हमें पता है कि हाँ भाई नोटबुक क्या है लेकिन नेटबुक क्या है ये नोटबुक और नेटबुक व्हाट इज दिस नेटबुक देखिए तेरह इंच और उससे छोटे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटबुक में आ जाते हैं ठीक है थेके? इसका बेसिकली जो मोटो होता है बेसिक मतलब जो होता है सिर्फ नेट चलाने के लिए ही होता है एक्टिविटीज़ जैसे कि स्ट्रीमिंग वीडियोस हो गई म्यूजिक हो गया ईमेल हो गया वेब सर्फिंग हो गई इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई ये सब करे जाते हैं नोटबुक कंप्यूटर से नेटबुक से ठीक है तो क्या है आपका तेरह इंच तेरह इंच और उससे छोटे ये किस में आ जाते हैं नेटबुक में और ये जो लैपटॉप है ये तेरह इंच से ऊपर आ जाता है ये आएंगे आपके लैपटॉप में ठीक है और लैपटॉप किसका एग्जांपल एग्जाम्पल है ये लैपटॉप एग्जाम्पल है नोटबुक कंप्यूटर्स का फिर उसके बाद हम और गए साइज छोटा हुआ अब आपने देखा पर्सनल कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है ठीक है पर्सनल कंप्यूटर का साइज़ कैसा होता है बहुत बड़ा होता है जैसे कि फिर आपके लैपटॉप आ गए लैपटॉप के बाद आया आपका नेटबुक लैपटॉप डेस्कटॉप के बाद क्या आया आपका नोटबुक नोटबुक के बाद आया नेटबुक नेटबुक तेरह इंच तेरह इंच से छोटे हो गए फिर उससे भी छोटे आए कौन से टैबलेट कंप्यूटर्स? ये है आपके टैबलेट कंप्यूटर तेरह इंच और उससे छोटे मतलब कि आठ से दस इंच के थे ये टैबलेट कंप्यूटर्स अब इनकी खासियत क्या थी टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं टैबलेट कंप्यूटर में फीचर्स होते हैं सारे के सारे नोटबुक कंप्यूटर्स के ठीक है क्या किसके फीचर्स होते हैं सारे के सारे नोटबुक्स मतलब जैसे आपका लैपटॉप काम करता है वैसे ही फीचर्स लैपटॉप वाले फीचर्स ही इस टैबलेट कंप्यूटर में होते हैं बट इस टैबलेट कंप्यूटर में क्या ऐसी खासियत है क्या ऐसा चीज है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है आपके नोटबुक से मतलब ऐसे तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने टैबलेट ही क्यों यूज किया नोटबुक क्यों नहीं यूज करा मतलब लैपटॉप क्यों नहीं यूज करे देखो सबसे पहली चीज जो आपका लैपटॉप है वो किस तरीके से इनपुट लेता है आपका कीबोर्ड से या माउस से ठीक है लेकिन जो ये टैबलेट कंप्यूटर्स हैं ये लैपटॉप के कंपैरिजन में इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है आठ से दस इंच के ये साइज़ में होते हैं प्लस इनका फ़ीचर्स ये सारे के सारे जो लैपटॉप के फ़ीचर्स हैं वो एक छोटे से डिवाइस में आ जाते हैं ये फ़ायदा है इनका दूसरा हैंड हेल्ड होते हैं हम इनको कैरी कर सकते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स को बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में ठीक है दूसरा ये जो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं मतलब जो इनपुट ये एक्सेप्ट करते हैं तो वो लेते हैं स्टाइलस से या पेन से इनके पास कीबोर्ड वगैरह नहीं होता एक अंदर इनबिल्ड कीबोर्ड जरूर होता है जैसे हमारे फोन्स वगैरह में होता है टैबलेट में जैसे फोन वगैरह में होता है कीबोर्ड अंदर कीपैड अंदर होता है वैसे ही ये वो कर सकते हैं इनपुट लेकिन बाकी जो ये इनपुट लेते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स ये लेते हैं स्टाइलस से या फिर पेन से तो यहाँ पर स्टाइलस आपको याद रखना है कि स्टाइलस क्या है जो आपका पेन होता है ना लिखने वाला उसी को हम स्टाइलस भी बोल देते हैं ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो स्टाइलस कहाँ पर यूज होता है स्टाइलस पेन कहाँ यूज होता है ये होता है आपका टैबलेट कंप्यूटर में यूज और राइट पोर्टेबल होते हैं ये कहीं इधर से उधर हम ले जा सकते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स को दूसरा इसकी खासियत ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती मतलब कोई सीपीयू अटैच नहीं होता इससे बड़ा सा कोई माउस नहीं होता कोई कीबोर्ड नहीं होता सभी के सभी फीचर्स जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं एक सिंगल चिप के ऊपर सारे का सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी आ जाती है इसके ऊपर ही ठीक है तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे लिनोवो का टैबलेट आता है एस का टैबलेट आता है ए एस यूएस का ठीक है का, अब दो चीजों में फर्क आपको पता होना चाहिए ये जो टैबलेट कंप्यूटर्स हैं इसमें एक तो लाइट पेन आपका यूज होता है और एक स्टाइलस यूज होता है तो स्टाइलस क्या होता है स्टाइलस में क्या होता है आपका कि लेजर लाइट वगैरह जैसे कुछ नहीं होता सिर्फ एक पिन पॉइंटेड सी प्लास्टिक की निब होती है उससे आप लिख सकते हो और इनपुट दे सकते हो लेकिन लाइट पेन में क्या होता है लेजर लाइट जैसा कुछ होता है और उसी के थ्रू वो काम करता है और उसी लेजर लाइट से आप इनपुट दे सकते हो इन इन द कंप्यूटर इन योर टैबलेट ऑल राइट फिर उसके बाद हमारे पास आ गए हैं पी डी ए पी डी ए इज हैंडेल्ड कंप्यूटर्स हैंड हेल्ड टैबलेट्स जिसको बोलते हैं हम पी डी ए साइज और छोटा हुआ पी डी ए आ गए हमारे पास और ये इसका साइज हो गया आठ से नौ इंच का ठीक है आठ से नौ इंच का साइज था इसका आठ से नौ इंच की डिवाइस होती है पी कीज़ की तो पीडीए आ गए हमारे पास पी जैसे कि आपने ये देखा होगा पी क्या होते हैं जैसे आपने ब्लैकबेरी के फोन देखे होंगे राइट ऊपर स्क्रीन होती है नीचे आपका क्या होता है कीबोर्ड होता है और अभी भी ब्लैकबेरी इसको चेंज नहीं कर रही है जिसकी वजह से ब्लैकबेरी की मार्केट जो है वो भी डाउन जा रही है ठीक है ऊपर स्क्रीन है नीचे कीबोर्ड है। तो पीडीए होते हैं हमारे पास। पीडीए की फुल फॉर्म है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसी को अगर हम हाथ में पकड़ लें उसको इतना साइज छोटा कर दें कि हम उसको हाथ में पकड़ सके बाकी सारी चीज सेम है लेकिन सिर्फ क्या फर्क है उसमें कि उसका साइज छोटा हो गया और फीचर सारे के सारे आपके आ, जो नॉर्मल लैपटॉप जो नॉर्मल कंप्यूटर के होते हैं वो सारे होते हैं इसमें तो वो होते हैं पीडीए तो पीडीए के सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लैकबेरी का फ़ोन ठीक है इंस्टेड ऑफ़ कीबोर्ड पीडीए जो होता है वो पेन यूज़ करता है या फिर स्टाइलस यूज़ करता है इनपुट के लिए या फिर नीचे जो की होता है वो सब यूज़ कर लेता है मेमोरी जो होती है लिमिटेड होती है इसमें पावरफुल लेस होते हैं लेस मेमोरी होती है लेस पावरफुल होते हैं ये ठीक है सबसे पहला पीडीए यूज़ कौन सा हुआ था ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में फर्स्ट पीडीए यूज्ड, सबसे पहला पीडीए यूज़ हुआ था आपका एप्पल का न्यूटन एप्पल का न्यूटन वॉज योर फर्स्ट पी डी ए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लेना ठीक है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स पी डी एव मर्ज इंटू स्मार्टफोन्स तो अभी कुछ लास्ट फ्यू ईयरस से जो हमारा पी डी ए होता है ना पी डी ए था इट हैज़ मर्ज इंटू स्मार्टफोन्स तो स्मार्टफोन्स का क्या है अब स्मार्टफोन सभी के पास हैं राइट सब के पास होते ही हैं आज कल के डेट में तो ये आ गए चार पाँच इंच के कम्प्यूटर जो हैं वो स्मार्टफोन्स हो गए तो इस तरीके से हमने इन सबको क्लासीफाई किया है किसको नोटबुक लैपटॉप डेस्कटॉप और हमने कैसे क्लासीफाई किया है माइक्रो कंप्यूटर्स को सबसे पहली बार आया हमारा डेस्कटॉप डेस्कटॉप के बाद हमारा आया कौन सा नोटबुक नोटबुक कंप्यूटर वही होते हैं लैपटॉप जैसे फिर आया हमारा नेटबुक नेटबुक तेरह इंच और उससे छोटे नेटबुक में आते हैं इनका बेसिक काम सिर्फ नेट चलाने के लिए इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए होता है गेमिंग के लिए यूज होता है ई मेल के यूज होता है मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है, यूज, है, है उसके बाद आए हमारे टैबलेट कंप्यूटर्स आठ से दस इंच के टैबलेट कंप्यूटर्स से इनपुट कैसे लेते हैं ये या तो इनबिल्ट जो इनका कीबोर्ड बना होता है या फिर स्टाइलस से या फिर लेजर पेन से ठीक है देन उसके बाद पी डी ए पी पीडीए ए का साइज और छोटा हो गया किससे हमारा पीडीए का साइज हो गया टैबलेट से भी छोटा तो ये पीडीए का एग्जांपल का एग्जाम्पल हेल्ड कंप्यूटर हैंड हेल्ड टैबलेट भी इसको बोल सकते हैं और ब्लैकबेरी का फोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पीडीए का पीडीए के बाद आपके पास आ गए हैं क्या स्मार्टफोन स्मार्टफोन्स का साइज और छोटा है चार पाँच इंच के स्मार्टफोन्स आजकल आने लग गए हैं तो उसका साइज और छोटा हो गया आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको तामझाम। अब आगे चलते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स पे जो मिनी कंप्यूटर्स थे आपके वो बहुत ही यू you नो know, जो स्मॉलर थे लेस एक्सपेंसिव थे लेस पावरफुल थे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से तो ये आपको याद रखना है मिनी कंप्यूटर्स कैसे थे हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स से जिनका साइज और कैपेसिटी कम थी छोटी थी लेस एक्सपेंसिव थे लेस पावरफुल थे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से सबसे पहले क्या था सुपर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो ठीक है तो मिनी कंप्यूटर्स का जो साइज था वो स्मॉलर था सुपर और मेन फ्रेम्स थे लेस एक्सपेंसिव थे इन दोनों से और लेस पावरफुल थे इन दोनों कंप्यूटर से ऑल राइट सो माइक मिनी कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज होते थे जैसे कि आपके साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए फाइल हैंडलिंग के लिए और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपके मिनी कंप्यूटर्स यूज होते थे अब मिनी कंप्यूटर्स के साइज और कैपेसिटी ज्यादा थी माइक्रो कंप्यूटर से बट लेस थी मेन फ्रेम कंप्यूटर से जैसे हॉस्पिटल में ई वगैरह होती है ना और वो आपके ग्राफ आ जाता है एक पेपर पे तो उसी तरीके से ये मिनी कंप्यूटर्स काम करते थे कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ही इनको असाइन किया जाता था मिनी कंप्यूटर्स को तो छोटे छोटे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और जब बेड के कोने पे आपने एक कंप्यूटर देखा होगा छोटा सा ऊपर जिसमें आपकी हार्ट बीट वगैरह पल्सेट वगैरह सब कुछ दिखाई देती हैं तो वो सब होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स पहला मिनी कम्प्यूटर्स आपसे पूछ सकता है तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर पहला मिनी कंप्यूटर था आपका पी डी पी वन पी डी पी वन तो यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है इसका तो पी डी पी वन वॉज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय पी डी पी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पी डी पी वन की तो पी डी पी वन की फुल फॉर्म थी प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर और ये पीडीपी को बनाया किसने था इट वॉज डेवलप्ड बाय डीईसी अब ये डीईसी क्या है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑल राइट तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था हमारा पीडीपी वन डिजिटल कंप्यूटर्स जर्नली यूज इन मल्टी यूजर सिस्टम ये एक मल्टीपल मल्टी यूजर सिस्टम थे और मिनी कंप्यूटर जो हैं ये कम से कम नहीं तो चार से दो सौ यूजर साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते थे मतलब दो सौ लोग इसको इकट्ठा यूज कर सकते थे इन मिनी कंप्यूटर्स को ठीक है तो सोच सकते हैं आप कि ऐसा नहीं है जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि, कि बस आप आपका डाटा उसमें क्या होता है कम से कम नहीं तो दो सौ यूजर्स उसको साइमल्टेनियसली उस डाटा को देख सकते हैं उस मिनी कंप्यूटर के डाटा को ऑल राइट right, जैसे एक बीच में मिनी कंप्यूटर हो गया उसको एक्सेस कर रहे हैं दो यूजर्स तो वो उस तरीके का कंप्यूटर हो गया यूजर्स कैन एक्सेस मिनी कंप्यूटर्स थ्रू पीसी और और टर्मिनल एक टर्मिनल होता है उससे यूजर्स जो हैं इस मिनी कंप्यूटर को एक्सेस uh, कर सकते हैं एक्सेस कर सकते थे ऑल राइट right. तो चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो हाई थी विद लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर्स जिसमें इट प्रोसेस बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस एंड ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम हाई परफॉर्मेंस थी इन कंप्यूटर्स की लार्ज मेमोरी थी मेन फ्रेम्स की प्रोसेसर दैट प्रोसेस बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशन ये एक टाइम में बिलियंस ऑफ छोटी छोटी कैलकुलेशंस को प्रोसेस कर देता था और ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम रियल टाइम के अंदर अंदर ठीक है जैसे कि सर्वर वर्क स्टेशन बनते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये आपसे आई में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है कि सर्वर और वर्क स्टेशन कौन से कंप्यूटर से बनते हैं तो सर्वर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से बनते हैं आपके अब ये सर्वर्स और ये सब वर्क स्टेशन क्या है अब आप ये देखिए जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाते हो ठीक है आपको भी पता है व्हाट्सएप में क्या होता है कि एक दिन आपके बहुत सारी फोटोज आ गई नेक्स्ट डे बहुत सारे मैसेज आ गए तीसरे दिन बहुत सारे मैसेज आ गए उसी व्हाट्सएप को ठीक है व्हाट्सएप एक ही है लेकिन उस व्हाट्सएप को चला कितने लोग रहे हैं बिलियंस ऑफ पीपल ठीक है बिलियंस क्या मतलब करोड़ों लोग उस व्हाट्सएप को चला रहे हैं आज की डेट में है एक ही एप्लीकेशन चला करोड़ों लोग रहे हैं अब उन करोड़ों लोगों का डाटा जो है वो इस एप्लीकेशन में जल्दी जल्दी प्रोसेस भी होना चाहिए प्लस स्टोरेज भी होनी चाहिए मतलब अगर मेरा आपके पास मैसेज जा रहा है तो मैं ये देखूंगी कि मेरा अभी की अभी मेरा मैसेज आपके पास पहुंच भी जाता है ठीक है इसी तरीके से वो करोड़ लोग भी इसी व्हाट्सएप को यूज़ करके इसी सर्वर को यूज़ करके एक ही मैसेज जो है सॉरी जो मैसेज है वो उसी टाइम पे पहुंचा रहे होंगे ठीक है तो उसका सारा का सारा डाटा इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है तो प्रोसेसिंग जो होती है इनकी बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए तभी ये सब हो सकता है ऑलराइट right. तो मेन फ्रेम तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि सर्वर और वर्क स्टेशन ये क्या किस पे बेस्ड होते हैं ये किससे बनते हैं तो ये बनते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के सर्वर और वर्क स्टेशन एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप होटल में यूज होते हैं ये बैंकिंग में यूज होते हैं टेली में यूज होते हैं मतलब होता क्या है बैंकिंग में जैसे एक बीच में में आ, हो गया आपका मेन कंप्यूटर उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है अटैच होते हैं और क्या होता है इस वाले कंप्यूटर से डाटा फेच करना होता है सारे कंप्यूटर्स को राइट right? तो इस कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स को डाटा फेच करना होता है तो ये यहाँ से डाटा लेंगे सारे के सारे इधर से भी ये इधर से इधर से तो एक ही बारी में एक ही उससे डाटा लेंगे और इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हाई होती है तभी जो है ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकता है और right? तो आगे चलते हैं तो इसमें एक होता है डम्प टर्मिनल और एक होता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ इंटेलिजेंट टर्मिनल का ये होते क्या है देखिए मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि ये मल्टी यूजर होते हैं वेरी लार्ज मेमोरी स्टोरेज होती है इनमें बहुत सारे यूजर्स जो हैं एक बारी में एक्सेस कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से ठीक है सो so, ये सर्वर और वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं किसी भी बैंक में तो क्या होता है ये कि जो डम टर्मिनल है डम टर्मिनल का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ नहीं होता मतलब उसके पास अपना सीपीयू नहीं होता वो क्या करता है इस मेन सर्वर का सीपीयू यूज करता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल वो होता है जिस जो कनेक्टेड होता है मेन कंप्यूटर से लेकिन अपना सीपीयू उसके पास होता है और वो अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है वो होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल डम टर्मिनल वो जिसके पास सीपीयू कीबोर्ड आई कीबोर्ड एम सॉरी एक कीबोर्ड अटैच होता है माउस अटैच होता है सब कुछ अटैच होता है डम टर्मिनल के पास लेकिन अपना सी नहीं होता अपना दिमाग नहीं होता दिमाग वो किसी और का यूज़ कर रहा होता है जो मेन उसका वो है ठीक है मेन सर्वर है सो उस मेन सर्वर कंप्यूटर है उस उसका दिमाग यूज़ करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ये आ, प्रोसेस नहीं करेगा उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ जाएगा मेन कंप्यूटर को बोलेगा कि भाई मेरे को ये सो एंड इन सो इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर पे आ जाएगी दिखाई देने लग जाएगी ठीक है वहीं इंटेलिजेंट टर्मिनल जो कनेक्टेड होते हैं उसके पास सीपीयू होता है अपना दिमाग होता है वो प्रोसेसिंग भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन की समझ आया सो so, Uh, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये बिग होते हैं बट लेस देन सुपर कंप्यूटर्स बड़े तो होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम बड़े होते हैं फास्ट होते हैं बट सुपर कंप्यूटर से कम फास्ट होते हैं कॉस्टली होते हैं बट सुपर कंप्यूटर से कम कॉस्टली होते हैं मल्टी प्रोसेसर होता है इसमें मल्टी प्रोसेसर पैरलि कनेक्टेड देखो यहाँ पर हो गया ना मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मल्टी यूजर्स होता है ये मल्टी प्रोसेसर होता है इसमें और पैरेलली कनेक्टेड होता है मतलब कि मैंने इसको एक वर्क दिया वन वर्क है तो वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर में तोड़ लेगा और इकट्ठे ही ये सारा का सारा काम एक बारी में कर देगा ठीक है सारा काम क्या करेगा एक ही बारी में ये कर देगा तो ये क्या डिपेंड करता है इसका क्या काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम को करना इसकी स्पीड इतनी जो है फास्ट नहीं होती बस इसका काम करने का जो तरीका होता है ये काम जो करता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करता है मतलब इसको बहुत सारा काम दे दो और वो उतना सारा काम जो है एक ही बारी में कर देगा क्योंकि पैरेलली कनेक्शन होते हैं प्रोसेसर जो है पैरेलली कनेक्टेड होते हैं जिससे क्या होता है काम डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद जल्दी जल्दी काम होता है जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया एक काम है ठीक है चार पैरल लाइन से एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई चार बार में डिवाइड करा और फिर इसने काम करा ठीक है इट कैन हैंडल वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स ये हैंडल कर सकता है वर्कलोड मेनी यूजर्स का लार्जर एंड पावरफुल सिस्टम जर्नली यूज इन सेंट्रलाइज डाटा अब पहला मेन फ्रेम कम्प्यूटर वर्ल्ड का वो कौन सा था तो यहाँ पर भी है कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से पढ़ लेते हैं सबसे पहला यूजर एक्सेज मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स वायर टर्मिनल ऑल्सो कॉल्ड एज डम टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल और पी क्या होता है कि जो यूजर है वो क्या करता है कंप्यूटर कंप्यूटर को को एक्सेस करता है एक टर्मिनल से ठीक है ये हमारे यूजर होगा यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री यूजर फोर यूजर फाइव यूजर सिक्स ये इस मेन माइक्रो कम जो आपका कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको एक्सेस करेगा कैसे या तो इनके पास अपना एक पीसी होगा उससे ये एक्सेस करेंगे इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को या फिर टर्मिनल होंगे तो दो टर्मिनल्स मैंने आपको बताए थे डम टर्मिनल मान लो ये वाला यूजर है वो डम टर्मिनल से कर रहा है ये यूजर इस कंप्यूटर को इंटेलिजेंट टर्मिनल से कर रहा है डम टर्मिनल मतलब इसके पास भी है तो एक कंप्यूटर उसके पास भी माउस है इसके पास भी कीबोर्ड है लेकिन इसके पास क्या नहीं है इसके पास सी नहीं है अपना दिमाग नहीं है ये कुछ कर नहीं सकता इस इंफॉर्मेशन को बस ये इसको बोलेगा कि मुझे ये ये इंफॉर्मेशन चाहिए और इसके पास वो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा ये उस इंफॉमेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा जैसे इसने इंफॉमेशन मांगी है वैसी इन्फॉमेसन इसको मिल जाएगी वहाँ वहीं पर हमारे पास एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है वो क्या करेगा वो इस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मांगेगा मेन फ्रेम से कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी हो सकती है इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी ये कर लेगा और मतलब कुछ चेंजेस करना है कुछ प्रोसेस करना है तो वो ये इंटेलिजेंट टर्मिनल कर सकता है ऑल सो right. so, यहाँ पर मैंने डम टर्मिनल के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो डम टर्मिनल है इट कैन नॉट स्टोर डाटा और डू प्रोसेसिंग ऑन इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओनली इसके पास ये स्टोर नहीं कर सकता डाटा को और प्रोसेसिंग नहीं कर सकता डाटा की सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसिस इसके पास होते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल के पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं अपने ये अपनी प्रोसेसिंग खुद कर सकता है बट कैन नॉट स्टोर डाटा ऑन इट सोन ये अपना डाटा को स्टोर नहीं कर सकता ऑन इट सोन तो डेटा देखो दोनों ही डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल दोनों डेटा को स्टोर नहीं कर सकते सिर्फ फर्क क्या है दोनों में कि वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता ये प्रोसेसिंग कर सकता है दोनों में फर्क यही है ठीक है डम टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल ये यूज करते हैं प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर तो ये प्रोसेसिंग पावर यूज करते हैं और स्टोरेज फैसिलिटी को यूज करते हैं किसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसकी स्टोरेज फैसिलिटी को और इसी की स्टोरेज पावर को यूज कर सकते हैं इसी की प्रोसेसिंग पावर को भी यूज करते हैं दोनों के दोनों इंटेलिजेंट और डम टर्मिनल्स और तो यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक वगैरह में अभी अभी हमने समझाया था आपको मान लो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इसके बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इनको एक्सेस करते हैं इस इंफॉर्मेशन को इसकी इसके पास सारी इंफॉमेसन है ये प्रोसेसिंग भी जल्दी जल्दी करेगा अब इतने सारे यूज़र्स एक ही बारी में बहुत सारा डाटा मांग रहे होंगे तो प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी जल्दी हो रही होगी इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रो प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी करेगा और क्या करेगा स्टोरेज भी इसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो स्टोरेज कैपेसिटी भी ये इसकी यूज़ करते हैं और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी ये मेन की ही यूज करते हैं जैसे बैंक में हो गया ठीक है Where many people to access to same data. जब बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं मेन फ्रेम कम्प्यूटर यूज चलिए एग्जाम्पल्स है इसके जैसे सी डी सी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड आई बी एम ई एस ट्रिपल जीरो सीरीज तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है तो इट इज यूनिवैक ठीक है डेवलप किसने किया था इसको आईबीएम ने आईबीएम डेवलप्ड बाय आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ठीक है स्पीड जो होती है इसकी स्पीड मेजर करी जाती है स्पीड इज मेजर्ड इज एम आई पी एस मशी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में इसकी स्पीड मेजर करी जाती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड मेजर करी जाती है आपसे ये क्वेश्चन आईबीपीएस में पूछ सकता है क्या कि जो स्पीड होती है मेन फ्रेम्स की मेन फ्रेम की स्पीड किस में मेजर करी जाती है एम आई पी एस एम आई पी एस की फुल फॉर्म क्या है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुपर कंप्यूटर्स नाम से ही आपको पता है सुपरमैन की तरह जैसे सुपरमैन में सौ लोगों की शक्तियाँ होती हैं हजार लोगों की शक्तियाँ होती हैं इसी तरीके से इस सुपर कंप्यूटर में भी पता नहीं कितने सारे कंप्यूटर्स की शक्तियाँ होती हैं और तब जाके बनता है एक सुपर कंप्यूटर अब मान लो हमने कोई काम कराना है जो काम हमारा पर्सनल कंप्यूटर पूरा दिन ऑन करने पर बीस साल लगाएगा वो ये काम दो मिनट के अंदर कर देगा ऐसा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर्स तो सिंगल टास्किंग होती है मल्टी ऑपरेटर होता है तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को दीज कंप्यूटर्स विद अ हाई लेवल ऑफ़ परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पज़ कंप्यूटर बहुत ही हाई लेवल ऑफ़ परफॉर्मेंस होती है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर से तो ये हमने अभी भी पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा कितना टाइम में कितना जल्दी कर सकता है ये परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल कंप्यूटर्स इस कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इसकी परफॉर्मेंस या फिर स्पीड ठीक है एफएलओपीएस से फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्श ऑपरेशंस पर सेकेंड्स में मेजर होती है यहां से एक क्वेश्चन बनता है आईबीपीएस में कि सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किसमें मेजर होती है तो फ्लॉप्स में मेजर होती है इंसटेड ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ठीक है या तो फ्लॉप्स में मेजर होगी या फिर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बीआईपीएस में मेजर होगी बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बीआईपीएस सिंस 2017 दीस सुपर कंप्यूटर्स व्हिच कैन परफॉर्म ओवर 10 टू द पावर 17 फ्लॉप्स मतलब ये 10 टू द पावर 17 फ्लॉप्स को परफॉर्म कर सकता है मतलब 100 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स 100 petaflops या फिर 100 pflops फ्लॉप्स को एक बारी में परफॉर्म कर सकता है ठीक है फॉर कंप्यूटर्स फॉर कंपेरिजन सॉरी अ डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज परफॉर्मेंस इन रेंज ऑफ हैीगा फ्लॉप्स टू टेंस ऑफ ठीक है डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस की अगर हम कंपैरिजन करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस की रेंज होती है वो हंड्रेड्स ऑफ गीगा फ्लॉप में टेंस ऑफ टेराफ्लॉप होती है लेकिन जो हमारी सुपर कंप्यूटर्स की जो आ, जो परफॉर्मेंस की रेंज होती है वो कितना हंड्रेड क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स या फिर हंड्रेड पेटा फ्लॉप्स या फिर हम कहें हंड्रेड पी एफ एल ऑफ पी एस फ्लॉप्स पेटा फ्लॉप्स हंड्रेड पेटा फ्लॉप्स के उसमें यूज होती है मेजर करी जाती है ठीक है तो कितना फर्क है आप ये देखिए गीगा फ्लॉप्स या फिर टेरा फ्लॉप्स और वो है हंड्रेड पैटा फ्लॉप्स मतलब हंड्रेड क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स तो इतनी स्पीड होती है इसकी ठीक है इतनी परफॉर्मेंस होती है सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ड बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कैन वर्क इन पैरेलल तो क्या होता है सुपर कंप्यूटर्स कैसे बिल्ड होते हैं बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं सीपीयू होते हैं उसको पैरेलली कनेक्ट करा जाता है अब पैरेलली कोई भी चीज कनेक्ट होगी तो क्या होगा इकट्ठे इतना सारा काम होगा ठीक है इकट्ठे इतना सारा काम होगा अब सीरियली होता अगर सीरियली कनेक्ट करते इस तरीके से तो पहले एक काम हो रहा है फिर दूसरा फिर तीसरा मतलब तो बहुत टाइम लग जाता अब पैरलली में क्या होता है काम डिवाइड होके इकट्ठे ही इतना सारा काम हमारा हो जाता है ऑल राइट यूज फॉर हाई कैलकुलेशन इंस्टेंसिव टास्क जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होता है ये क्लाइमेट रिसर्च में यूज होता है मोलिकुलर रिसर्च में यूज़ होता है बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ होता है न्यूक्लियर रिसर्च में होता है एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है एग्जाम्पल्स जो हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स के वो हैं आपके आई बी एम रोड रनर आई बी एम ब्लू जीन इंटेल स्काई रेड ठीक है परम जो होता है परम है आपका सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इन इंडिया बाय सीडैक तो परम जो है कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर है एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि परम किस तरीके का कंप्यूटर है, सुपर है मिनी फ्रेम है माइक्रो माइक्रो फ्रेम, है, कैसा कंप्यूटर है तो आपको याद रखना है कि परम इज सुपर कंप्यूटर इसको इंडिया में ही बनाया गया था सी के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको बनाया गया था ऑल right. तो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स को मोस्टली जो है ये कॉस्टली होते हैं फास्टेस्ट होते हैं लार्जेस्ट होते हैं बिगेस्ट होते हैं इन साइज में एक कंप्यूटर में कई कंप्यूटर्स की ताकत होती है मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलली एक साथ बहुत सारा काम करना हो तो जो आपका मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ पैरेलली कनेक्ट किए होते हैं इसमें जो कि हमने पढ़ा भी था कि सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ड बाय इंटर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट कैन वर्क इन पैरल ठीक है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल मेमोरी स्टोरेज होती है मल्टी ऑपरेटर होते हैं ये और मल्टी सर्वर्स भी होते हैं इसमें तो एग्ज़ाम में एक सवाल आया था पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था क्रे वन ठीक है देन इसकी स्पीड किस में मेजर करी जाती है या फिर इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो किस में मेजर करी जाती है फ्लॉप्स में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एफ क्या फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट या फिर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बी आई टी एस में इसकी स्पीड मेजर होती है ऑल राइट right? तो ये सारा का सारा आप क्या करना है या तो स्क्रीन ले लो अगर समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग